इन दोनों चीजों के लिए, इसके एग्जाम के लिए, इसकी बोर्ड की क्लास थी जो, और इसकी 6 महीने जो इसके बाजों को लगने थे, जो काम खुदा ने 1.5 महीने में किया, इन सब बातों के लिए हम खुदावंद का थैंक्स करेंगे। इस ब्रदर का नाम राहुल है और जिवरियाम गांव के रहने वाले हैं, और इस ब्रदर की गवाही जे जे बता रही कि इनके मई मंथ में इनके 10th क्लास के एग्जाम चल रहे थे, और जे ब्रदर ने बताया कि जे 4 मई को अपने एग्जाम देकर स्कूल से वापस आ रहे थे और इसका रोड एक्सीडेंट हो गया, और जिसके कारण इसके राइट साइड बाजू पर चोट लगी, और जैसे ही इसके बाजू जो थी वो फ्रैक्चर हो गई थी, और जे काफ़ी परेशान हो गए, और उसी दिन इन्होंने ऐसे कॉल की और प्रभु के दास के साथ जैसे बात की, और प्रभु के दास ने इनको उत्साहित किया कि परमेश्वर आपके साथ है, डरना नहीं, और जैसे जे विश्वास किया, उन्होंने धन्यवाद किया, और जब हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टर ने बताया कि आपके बाजू जो है वो फ्रैक्चर है, ऑपरेट होगा, और जे बता रही कि जैसे उन दिनों में इसके एग्जाम चल रहे थे, और जिस दिन इसका ऑपरेट होना था और ऑपरेट हुआ, और उसके नेक्स्ट डे इसका फिर एग्ज़ाम था, उस दिन इसका 4th एग्ज़ाम था, और इनकी जो मदर है उन्होंने बताया कि इन्होंने प्रिंसिपल के साथ बात की कि जो इसका एग्ज़ाम है कल, तो हमारे बेटे को ऐसे चोट लगी, उसका एक्सीडेंट हो गया है, और जो इसका एग्ज़ाम था उस दिन इसकी सिस्टर ने देना था, और दोनों को स्कूल में प्रिंसिपल ने कहा था कि आपको आना ही पड़ेगा, पर जैसे कि इसका ऑपरेट हुआ था उस दिन, और डॉक्टर ने बताया कि वहाँ से हॉस्पिटल से भी इनको जल्दी छुट्टी ना मिलने के कारण जिस स्कूल से स्कूल जाने में इनको लेट हो गया, और जिसके कारण जो इनका, क्योंकि 10th क्लास बोर्ड के एग्ज़ाम थे, तो स्कूल में जिस स्कूल में प्रिंसिपल के साथ बात हुई थी वहाँ पर तो इसके एग्ज़ाम नहीं थे, क्योंकि सेंटर चेंज था, वो काफ़ी दूर भी था, और जैसे कि इनको हॉस्पिटल से जाना पड़ा और काफ़ी लेट हो गया, और वो एग्ज़ाम जो था वो स्कूल वाले जो सुपरिटेंडेंट थे उन्होंने बोला कि आपका एग्ज़ाम नहीं होगा क्योंकि आप लेट आए, और काफ़ी कुछ कहा, और जैसे कि जे ब्रदर काफ़ी परेशान हो गए, काफ़ी डर गए, और फिर से जब जे घर वापस आए हॉस्पिटल में, तो इनकी मदर ने कॉल की, और जैसे प्रभु के दास के साथ बात हुई, और प्रभु के दास ने इनके साथ बात की, और इन्होंने बताया था कि ऐसे मेरे बेटे का जब एक्सीडेंट हो गया, और वो टूटी हुई बाजू के साथ स्कूल में भी गया था एग्ज़ाम देने के लिए, पर स्कूल वालों ने एग्ज़ाम नहीं लिया था क्योंकि काफ़ी जो इसके राइट साइड बाजू थी वो लिख भी नहीं सकता था, पर इसके सिस्टर ने इसे एग्जाम देने थे, और जैसे कि एग्जाम ना, सिस्टर ने एग्जाम देने का मतलब सिस्टर लिखेगी और ये बताएगा, बोलो क्या है, ऐसे नहीं कि वो ही एग्जाम देगी, तो ये फिर वो अपने आप कर सकती थी कि तू उसे बताएगा, हाँ हाँ ये बता रहा था और वो लिख रही थी, हाँ ठीक है आप बताओ आगे बताओ। और जैसे कि एग्जाम नहीं हुआ, और जी काफ़ी परेशान हो गए क्योंकि इसका मन खराब हो गया कि जो मेरा 1 साल है वो तो खराब हो जाएगा, और उसके एक अपार्टमेंट भी आएगी, और जी काफ़ी परेशान थे, और जैसे प्रभु के दास के साथ इनकी बात हुई, इनको उत्साहित किया गया कि आप परमेश्वर आपके साथ है और आपने डरना नहीं, सब कुछ अच्छा होगा, और जैसे जी विश्वास में बने रहे, और जो बाकी के एग्जाम रह गए थे वो इसके सिस्टर ने ही किए थे, और जैसे कि जी साथ जाता रहा था, और जो बता रही कि जैसे ही फिर कुछ समय बाद इसका रिजल्ट आया, तो जो पूरा जो जैसे इन्होंने रिजल्ट देखा तो जो पूरे पेपर से पास था, पर इसके बावजूद को जो इसने एक एग्जाम एक पेपर नहीं दिया था, इसने देखा कि उसके भी मार्क्स लगे थे, और जो बहुत ही हैरान हुआ कि ये कैसे हो गया, और सचमुच ये परमेश्वर ने किया, और आज 10th बोर्ड की क्लास से ये पास है, और परमेश्वर ने इसका 1 साल बचा दिया है, और जैसे कि उसके बाद जो बता रहे कि जो डॉक्टर ने कहा था कि जो इसके बाजू में प्लेट्स डाली है, और डॉक्टर ने कहा था कि 6 महीने लग जाएंगे इसके बाजू की जो हड्डी जुड़ने में, पर इनको विश्वास था कि परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं, फिर से इन्होंने प्रभु के दास के साथ बात की, और इनकी मदर ने कॉल किया, और 15 मई को इन्होंने फॉर्म पर अपनी जो प्रॉब्लम को लिखवाया, और उस दिन फुल ले हैंड मीटिंग थी, और जैसे ही ये मीटिंग में आए और प्रभु के दास के द्वारा इनके लिए ले हटे, अभी हम इस वीडियो क्लिप को देखेंगे।
जो शैतान ने अपनी युक्ति के साथ इसके बाजू की हड्डी को तोड़ा है, क्रैक किया है, मैं फिर से तेरे उस मसीह के साथ, उसकी तेरी सामर्थ के साथ परमेश्वर, मैं आज तेरे सामर्थ्य नाम से उस टूटी हुई हड्डी, क्रैक हड्डी को छूता हूँ, मैं छूता हूँ, अभी इसी समय उस हड्डी में जान आ जाए, वो क्रैक खत्म हो और उस वो हड्डी में क्रैक है वो पूरी तरह से हो जाए प्रभु तेरे सामर्थ्य नाम से। जो मसा बख्शता है, विश्वास कर, धन्यवाद कर, अगर तेरा बड़ा विश्वास है तो डरना मत, वो तुझे छू चुका है। और जैसे के जो विश्वास से आए थे और जो डॉक्टर ने कहा था कि 6 महीने लग सकते हैं जो आपके बाजू की हड्डी को जुड़ने में और जो प्लेट्स भी डली थी और पर इनका विश्वास था परमेश्वर कर सकते हैं, और जैसे इनके लिए ले हैंड हुई और फिर जब विश्वास में बने रहे, प्रार्थना करते रहे इनके मदर, और आज बता रहे कि परमेश्वर ने 1.5 महीने में इसकी जो बाजू की हड्डी थी पूरी तरह जुड़ चुकी है, जो इनकी बाजू ऊपर नहीं जाती थी, अपना काम लिख नहीं सकता था, आज परमेश्वर ने पूरी तरह से इसको अच्छा कर दिया है। इनके जीवन में जो दोनों गवाहियों के साथ परमेश्वर से ब्लेस किया है। ब्रदर जी अभी आप अपनी बाजू को ऊपर उठाई, दाने भाई ने ऐसे अभी जी पूरी तरह से जुड़ चुकी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। वो दिखाओ जो स्टिचिंग है, जहां पे दिखाओ, जहां पे वो टांके लगे, लो दिखाओ उसे कैमरे में, ये देखो, जूम करो, कौन है ये देखो, ये इसका ऑपरेट, ये सारे जो स्टिचिंग के टांकों के निशान है, ये देखो इसमें प्लेट डली थी, और 6 महीने डॉक्टर ने बोला था कि 6 महीने लगेंगे इसकी बाजू को सही होने में, कितना टाइम लगेगा, 6 महीने, और जो काम 6 महीने में होना था खुदावंद ने कितने समय में किया। हाँ, जब ये उसके पास आए, विश्वास से आए, ले हैंड हुई, प्रार्थना करवाई, कितने टाइम में हुआ, मैंने कहा कितने टाइम में हुआ, सिर्फ 1.5 महीने में, जो काम 6 महीने का वो 1.5 महीने में हुआ। आज इसकी बाजू बिल्कुल सही है, ये लिख रहा है, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेंड होती है ना, ऐसे बेंड करके दिखाओ, बेंड करके दिखाओ, ऐसे बेंड, हाँ ये देखो बेंड भी हो रही है, सब कुछ अच्छा है, अदर तो नहीं, कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हाँ देखो ये काम तो खुदा ने किया, पर साथ में देखो एक बच्चा पूरा साल मेहनत करता है ना, तो उसके मन में ऐसे चाहत होती है, डर भी होता है कहीं कुछ, है ना, क्योंकि बोर्ड की क्लास है, भूल गए, पर शैतान ने समस्या खड़ी कर दी, क्या कर दी शैतान ने, समस्या खड़ी कर दी, पर परमेश्वर महान है। देखो जिस दिन इसका एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद इसका चौथा पेपर था ना जी, चौथा पेपर था जो इसने देना था, पर उससे पहले शैतान ने इसकी हड्डी को तोड़ दिया, और ये जैसे आज टूटी तो कल ऑपरेट था और परसों पेपर था, और ये ऐसे गया, अब बोला ना सेंटर भी चेंज हो गया, प्रिंसिपल से तो बात हुई थी, पर सेंटर चेंज होने के कारण वो जो सुपरडेंट था वो नया था, क्योंकि हर बंदे को अपनी अपनी चिंता होती है ना कि कुछ ऐसे हो गया तो कोई प्रॉब्लम खड़े कर देंगे कहीं, हाँ ऐसे तो नहीं, कोई झूठ मूठ तो नहीं, कैसे हो सकता है ना, ऐसे संसार में होते हैं हम तो झूठ मूठ, ये ऐसे कुछ करके आ गया हो तो वो माना नहीं बंदा, सुपरिटेंडेंट माना नहीं, बोलो क्या, वो लेट हो गए, उन्होंने पेपर लिया नहीं, तो फिर ये सोच रहे थे क्या आएगी, कंपार्टमेंट आएगी, जब रिजल्ट आया कोई कंपार्टमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, जो पेपर दिया भी नहीं उसके भी पूरे नंबर लगकर आए। देखो इसलिए उस पर भरोसा करना, उस पर विश्वास करना, हम एक सॉन्ग गाते थे, बड़े फायदे दी गल रब ते भरोसा करना, हाँ बड़े फायदे दी गल है किते ऊपर भरोसा करना, बोलो क्या है, बड़े फायदे की गल, अगर किया ना होता तो आज भी ये बाजू को ऐसे अभी भी, हाँ ऐसे पकड़ के ऐसे आज भी बैठा होता, हाँ आज भी सोचता कंपार्टमेंट कैसे हल होगी, होगी कि नहीं होगी, हाँ समझ आ रही है,
पर ये सारे काम किसने किए? बोलो, ये सारे काम किसने किए? ठीक है, और वो सबके जीवन में करना चाहता है। ठीक है, तो अगर किए तो एक याद रखना बेटा, तू भी परमेश्वर के नाम की तूने गवाही देनी हर जगह, खुदावंत तुझे बड़ा ब्लेस करेगा। ठीक है, ओके, तो ठीक है, हम इस बड़े काम के लिए, इन दोनों चीजों के लिए, इसके एग्जाम के लिए, इसकी बोर्ड की क्लास थी जो, और इसकी 6 महीने जो इसके बाजों को लगने थे, जो काम खुदा ने 1.5 महीने में किया, इन सब बातों के लिए हम खुदावंत का थैंक्स करेंगे जोर से, दिल से, दिल से, दिल से। वो रखता खबर हर पल में, न कर परवाह दिल से, दिल से। वो रखता खबर हर पल, वो मेरा खुदा है, जिंदा खुदा है, मेरा खुदा है, वो जिंदा खुदा है, चले पिछली ओर वाले पल में, न कर परवाह किसे ठोके। ओके, गॉड ब्लेस यू। इसी रीति से चाहत से बढ़ते जाना, ठीक है।